हाँ तो भाई साहब, हमने पूरा ये चक्कर लगा लिया। जो इलाके जिसमें हम टहल रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ पे कहते हैं ऐसा कि यहाँ की ड्रेन्स में मछलियाँ भी तैरती हैं। कोई मछलियाँ, कोई कोई नहीं दिख रही यहाँ पे। तो घूम फिर के जो मेरा रिस्पॉन्स, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन अभी तक जितने भी ड्रेन्स हमने घूमे, जितने तो मैं भी अभी दिन तक चल रहा हूँ इसीलिए कि ड्रेन्स में कुछ निकल जाए, नहीं है यहाँ भी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ है नहीं ड्रेन्स में, ठीक है? नहीं, ड्रेन्स हैं, ड्रेन्स में सब कुछ है। और ये ओरिगामी भी है यार इधर, बहुत सही। तो लेकिन माल नहीं, मतलब जो ढूंढ रहे थे हम लोग कि ये ड्रेन्स के अंदर वो मछलियाँ तैर रही होंगी, वो देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ हमें नहीं मिला। हाँ, हमें एक स्पॉट ज़रूर दिखा है। उस स्पॉट पर क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा, उस स्पॉट पे क्या है कि वहाँ पे उन्होंने मछलियाँ कुछ पाल रखी हैं, और वो शायद जो मछलियाँ हैं वो उस ड्रेन वाटर में ही तैरती हैं। मतलब उन्होंने कुछ ऐसी जाली टाइप का जाली नुमा कुछ लगा रखा है जिससे वही पानी सर्कुलेट होता रहता है जो ड्रेन में बह रहा है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि वो ड्रेन वाटर में ही मछलियाँ तैर रही हैं एक तरह से, बस एग्जैक्टली वो नहीं है। और यार स्ट्रीट बड़ी सुंदर है ऐसे, लेकिन यार ये क्यों, ये रात में स्ट्रीट बड़ी सुंदर लगेगी है, स्ट्रीट हुई है ओरिगामी। यही सीन है, अभी तो दिखा नहीं। अभी जो हमें वो स्पॉट दिखा था जहाँ पे ड्रेनेज का पानी वो ऐसे सर्कुलेट कराते हैं, और हम लोग अभी उसी स्पॉट पर आ चुके हैं। और यहाँ पे ना डांस होता है, डांस का नाम मैं भूल रहा हूँ, यहाँ स्ट्रीट पे कोई डांस फेस्टिवल होता है, लेकिन वही है अभी इस समय चूँकि सब कुछ बंद है कोरोना चक्कर में, इसलिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा फेस्टिवल हो नहीं रहा है। तो वो एकमात्र स्पॉट जहाँ पर वो मछलियाँ हमें दिखी थी, अच्छी लग रही है ना, पीजो की गाड़ी है, जो हमें दिखी थी वो देखो ये है। तो भाई साहब, तो आपने उन्होंने देख लिया कि यही एकमात्र जगह है जहाँ पे पूरे स्ट्रीट में एक ड्रेन के अंदर भी मछली दिख रही है। ये जो है मेरा, ये दो, ये ड्रेन है, इसी ड्रेन से ये कनेक्टेड है, ये वाला शायद पानी भी, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अब मैं गलत भी हो सकता हूँ। भाई देखो, इसमें मछलियाँ तैर रही हैं, वो ढेर सारी मछलियाँ, वो उसे पीछे निकल दी, वे ढेर सारी मछलियाँ हैं, कितनी, एक दो तीन चार, चार दिख रही हैं, और एक और घुस गई वो पांच, ज़्यादा मछलियाँ नहीं हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, बस यही एकमात्र जगह है जहाँ पे मछलियाँ ही दिखती हैं। और ये भी देखो, ये भी एक जगह, एक ही है जगह, वो सब ऐसे ही देखो ऐसे ना, अगर सही में देखा जाए तो ड्रेन के अंदर मछलियाँ हैं नहीं। हाँ, ड्रेन में अंदर मछलियाँ हैं नहीं। यहाँ जो भी सीन है वो ये है कि ये सारी सारी मछलियाँ जो हैं पाली गई मछलियाँ हैं, किसी तरह से ऐसे अपने बना दिया और ड्रेन के बगल में रखी, तो ड्रेन में भी तैरती हैं वो, ये दिखा दिया गया। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हूँ, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मुझे दिखा नहीं, ठीक है? तो अभी चलते हैं, हमें कुछ भूख लग रही है, कुछ खाते पीते हैं, हल्का फुल्का कुछ लेते हैं स्नैक्स टाइप का, फिर उसके बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से। तब तक ये ओरिगामी वाला शॉट देखो, इतने अच्छे अच्छे हैं ओरिगामी।
तो भाई साहब हमारा दिन हो गया ख़त्म इधर, अंधेरा देखो होने जा रहा है, सूरज डूब चुका है, सुबह से टहल घूम रहे हैं, पैर एकदम थक चुके हैं, आदमी भी थक चुका है, तीनों आदमी उसी हालत ख़राब हो रखी है बैठा। अरे भैया हो गया यार, बहुत घूम लिया मैं, हाँ ठीक है बैठ जाती हूँ अब, हो गया। वही कह रहा अब बोला भैया ये बताओ यार, ये नाला देखने कौन आता है यार बताओ। मतलब लिटरली हम लोग बेसिक सेंस क्या था हमारा, हम नाले देखने ही आए थे ना यहाँ पे, कि जापान में जो नाले होते हैं इसमें मछली भी तैरती है, हम लोग वो देखने आए थे। अब उसको देख कितना खर्चा किया भाई हमने, एक आदमी ने लगभग 15,000 के करीब खर्चा कर दिए, अभी जाने आने में 20 से 30,000 करीब, सब कुछ खा पी सब कुछ ले के करीब 30,000 रुपए में हम नाली देखने आए हैं। हम लोग पहले इतिहास के पहले ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो 30,000 खर्च करके यहाँ आए, जो बोले कि नाले में मछली दिखी नहीं, नाले मछली देखने आए, वो खाली बनाया गया है दुनिया और नाले में मछली नहीं है, और 30,000 खर्चा भी कर दिए स्वाहा, ठीक है। लेकिन मजा आया, हाँ घूमने लगा, जगह अच्छी है, सुंदर जगह है, लेकिन उनके लिए सुंदर है जिनके पास बाइक है, कार भी नहीं, जिनके पास अच्छी बाइक होनी चाहिए और बाइक लेके भाई साहब इतना सुंदर सुंदर इलाका है यार, लिटरली पहाड़ों के बीच में से एक एकदम रुकने वाला एरिया, एकदम चिकने हाईवे भाई साहब, बैं कर घुमाते रहो। हाँ लेकिन वो स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए, क्रूजर चाहिए, वो बुलेट हो नहीं तो फिर अपनी हार्ले डेविडसन टाइप ऐसी इंडियन टाइप की बाइक्स हो बड़े ज़्यादा। तो वही है, अब देखो घंटी बजे कितना, 6:30 की घंटी बजी है। चलो अब बंद करते हैं इस वीडियो को, छोटा सा घूमा फिरा हमने, थोड़ा बहुत दिखाया आपको क्या है, 3-4 चीज़ें जो देखनी थी हमने देख ली वो। तो वीडियो जैसा भी लगा हो, ठीक ठाक लगा हो तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा हो तब भी यार लाइक ठोक देना का कुछ तो लगेगा, कुछ तो इंगेजमेंट बढ़ेगा हमारा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे फिर किसी प्यारी सी नई सी छोटी सी अलग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो लगती भाई साहब, इस वीडियो में जो हालत खराब हुई है ना मेरे 60,000 पानी में डूबते डूबते बचे हैं सर, सही है ना? नहीं यार पानी में नहीं बोल सकते, मजा आया। अरे पानी में सारा वो बैटरी डाउन हो रही थी, नीचे आता तो बम से पानी में गिरता, उसी मजा आया, पानी में गया, मजा तो बहुत आया, लेकिन हमने खुद एडवेंचरस ट्रिप था, कतई एडवेंचरस ट्रिप था दोनों के लिए बहुत एडवेंचरस। करते हैं इस वीडियो क्लोज, मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई प्यारी सी अलग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।